हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव नजदीक आते ही भाजपा के विधायक मदन राठौड़ करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का कर रहे हैं लोकार्पण। सरकारी मुख्य सचेतक एवं सुमेरपुर विधायक मदन राठौड़ ने शुक्रवार को सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायतों में 9 करोड़ से अधिक की लागत की विकास कार्यों का लोकार्पण किया। राठौड़ ने गोगरा, पावा, बसंत, कोसेलाव, खिमाड़ा, धना, लापोड़, डोला सहित गांव दौरा कर जनसुनवाई की। इन गांवों में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं में किए गए विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। गांव के इन दौरे में भाजपा जिला अध्यक्ष करण सिंह नेत्रा, सुमेरपुर पंचायत समिति प्रधान राजेंद्र सिंह कोलीवाड़ा, अध्यक्ष जोराराम कुमावत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। विधायक राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि सुमेरपुर क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आई। इसी कारण विगत 5 सालों में ऐतिहासिक विकास कार्य संपन्न हुए हैं। सुमेरपुर विधानसभा में कराए गए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के लिए उपस्थित जनसमूह ने विधायक राठौड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।